आज हम लोग आपकी कक्षा 10 के हिंदी विषय के पेपर में पूछे जाने वाले 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर के बारे में जानेंगे। देखिए, इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया था, और अब जबकि आप सभी की छमाही परीक्षा हो चुकी है, यानी कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा हो चुकी है, तो ऐसे में आपको ये पता चल गया है कि सभी विषय में 20 सवाल जो है वो बहुविकल्प वाले आएंगे, जिनका उत्तर आपको OMR शीट पर काला करके देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे में अब ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि आप जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करिए। ठीक है, देखिए, हम लोग 20 सवाल भी हल करेंगे, और यदि बीच में कहीं कोई ऐसी बात आए जिस पे चर्चा करना ज़रूरी है तो उस पर बात भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, भारतेंदु युग के निबंधकार कौन है? तो देखिए, पहला विकल्प है श्याम सुंदर दास, दूसरा है प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा है मुंशी प्रेमचंद्र, और चौथा है पूर्ण सिंह। इसमें कौन सा विकल्प सही होगा वो चुन करके और OMR शीट में आपको काला करके उत्तर देना है। तो इसमें जो विकल्प ख है ये सही है, ये भारतेंदु युग के निबंधकार हैं, तो विकल्प ख इसमें सही है। ठीक है, दूसरा चलिए देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, शुक्ल युग की कालावधि, यानी कि चाहे कालावधि पूछे या समय सीमा भी पूछ सकता है, दो में कोई एक पूछ सकता है यानी कि शुक्ल युग की समय सीमा या कालावधि क्या है। देखिए, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, मैंने शुक्ल युग की बात की, ठीक है, लेकिन ऐसे में आप जितने भी काल हैं हिंदी साहित्य में, जितने भी काल में बांटा गया, सबकी समय सीमा आप याद कर लीजिए। हमेशा पूछता है, किसी न किसी काल की समय सीमा वो पूछ लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर शुक्ल युग की बात कर रहा है, तो देखिए, यदि शुक्ल युग की कालावधि की बात करें तो इसमें जो विकल्प ग है 1919 से 1938, यही सही है, तो विकल्प ग इसमें सही है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुजान हित ये किताब का नाम है, और वियोग बेली ये भी किताब का नाम है, इन दो किताबों के रचयिता यानी इसको लिखने वाले कौन हैं? बोधा, घनानंद, पद्माकर या फिर बिहारी? तो इसमें जो सही विकल्प है वो है घनानंद। सुजान हित और वियोग बेली के जो रचयिता हैं वो घनानंद हैं। ठीक है, चलिए अगले पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अनाम दास का पोथा ये उपन्यास विधा की रचना है। देखिए, आपको विधा भी याद कर लेना है, ठीक है, विधा पर भी आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। विधा का मतलब आप समझ रहे हैं कि जैसे कोई पुस्तक कहानी है, निबंध है, आत्मकथा है, जीवनी है, रेखाचित्र है, क्या है, ये विधा भी आपको याद करनी है। ठीक है, तो अनाम दास का पोथा उपन्यास विधा की रचना है, लेकिन सवाल पूछ रहा है कि इसको लिखा किसने, इसकी रचना किसने की है? प्रेमचंद ने, धर्मवीर भारती ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या फिर जयशंकर प्रसाद ने? तो इसका जो सही उत्तर है, जो सही विकल्प है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ये जो अनाम दास का पोथा उपन्यास है इसकी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने की है। ठीक है, तो विकल्प ग सही है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, कलम का सिपाही ये भी एक पुस्तक है, ये एक जीवनी विधा की रचना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना है, इसके लेखक कौन है? सवाल कह रहा है कि इसके लेखक कौन है, जयप्रकाश भारती या अमृत राय या रामधारी सिंह दिनकर या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी? तो इसमें जो सही उत्तर होगा, जो सही विकल्प है वो है अमृत राय, इन्होंने इस पुस्तक की रचना की है। ठीक है, अमृत राय। चलिए अगला देखते हैं। रस मीमांसा के लेखक हैं, लेखक हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि ये कोई किताब है, कोई साहित्य है, तो रस मीमांसा के लेखक हैं यानी कौन हैं? बाबू गुलाब राय या फिर प्रताप नारायण मिश्र या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, ये बहुत बार पूछा गया है परीक्षा में, और आपको पता होना चाहिए कि जो रस मीमांसा है इसके जो रचनाकार हैं, जो इसके लेखक हैं, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो इसमें विकल्प ग आचार्य रामचंद्र शुक्ल सही है, आपको OMR शीट में इसी को काला करना है, विकल्प ग को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है,
मेरी असफलताएं किस विधा, आप देखें यहाँ विधा पूछ लिया, किस विधा की रचना है, आत्मकथा है या निबंध है या जीवनी है या फिर नाटक है। तो बहुत ही सरल इसका उत्तर है, आप बार बार पढ़ते हैं इसको तो देखिए, मेरी असफलताएं जो है ये आत्मकथा है, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। मैं लेखक का नाम भी बता दे रहा हूँ, दिमाग में बैठा लीजिए, मेरी असफलताएं जो है वो बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल है, आधुनिक मीरा किस कवयित्री को कहा जाता है। फिर से सवाल को एक बार देख लीजिए, आधुनिक मीरा किस कवयित्री को कहा जाता है। विकल्प है अनामिका को, कीर्ति चौधरी को, महादेवी वर्मा को या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान को। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो है महादेवी वर्मा। आधुनिक मीरा के नाम से हम लोग महादेवी वर्मा को जानते हैं, ठीक है। तो विकल्प ग सही है, इसको छांट करके और आपको ओएमआर सीट पर काला करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, प्रथम तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ। तो चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये तार सप्तक का मतलब क्या है। देखिए सात कवियों का समूह यानी सात कवियों ने मिल करके काव्य संग्रह प्रकाशित किया। अगर काव्य संग्रह आप नहीं समझ रहे तो समझ लो एक किताब लिखी, सात कवियों ने मिल करके किताब लिखी जिनमें उनकी कविताओं का संग्रह है, ठीक है, इसी को हम तार सप्तक कहते हैं। तो ये थोड़ा सा आप हल्के में ध्यान रखिए कि तार सप्तक मान लीजिए कि किताब है और इसको सात 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 कवियों ने मिलकर के लिखा है, ठीक है। तो पहला जो तार सप्तक है वो कब प्रकाशित हुआ, कब उसको लिखा गया, तो इसमें चार विकल्प हैं, 1941 में, 1943 में, 1945 में या फिर 1947 में। तो देखिए ये हर साल मतलब हर दूसरे साल ये पूछा जाता है, तार सप्तक से संबंधित सवाल हर दूसरे तीसरे साल पूछा जाता है, तो इसको ज़रूर आप तैयार कर लीजिएगा, डेट है याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो पहला तार सप्तक है उसका प्रकाशन वर्ष 1943 है, तो सही विकल्प ख है, इसी को छांट करके और आपको ओएमआर शीट में काला करना है। तो प्रथम तार सप्तक जो है वो 1943 में प्रकाशित हुआ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अब कह रहा है कि दूसरा वाला सप्तक कब प्रकाशित हुआ। तो यदि दूसरे सप्तक की बात करें तो क्या 1948 में हुआ या 1949 में हुआ या फिर 1950 में हुआ या 1951 में हुआ। तो देखिए यदि हम दूसरे सप्तक की बात करें तो इसमें ये जो विकल्प घ है ये सही है, दूसरा जो सप्तक है वो 1951 में प्रकाशित हुआ, ठीक है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। चलिए तीसरा देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं, तीसरा कह रहा है कि तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ। तो यदि तीसरे सप्तक की बात करें तो जो तीसरा सप्तक है वो आपका 1959 में प्रकाशित हुआ, तो विकल्प क इसमें सही है, 1959, ठीक है, 1959 में तीसरा सप्तक प्रकाशित हुआ। चार सप्तक हैं और चारों को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले सप्तक पर चलते हैं, मैंने इसीलिए जानबूझ के चारों एक साथ ले लिया ताकि आप इकट्ठा याद कर लें। अगला है चौथा सप्तक कब प्रकाशित हुआ। तो यदि चौथे सप्तक की हम लोग बात करें तो जो चौथा सप्तक है वो 1979 में 1979 में प्रकाशित हुआ, तो इसमें विकल्प ग सही है, ठीक है, तो आप इसको भी थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे, जो शब्द किसी शब्द के पहले जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो चार विकल्प हैं इसमें, पहला विकल्प है उसको उपसर्ग कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, क्रिया कहते हैं या फिर धातु कहते हैं। तो देखिए जरा आप ध्यान से समझ लीजिए इस बात को, देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई शब्द है मान, मान लीजिए कि एक शब्द है मान, अब इसके पहले कोई शब्द जैसे जुड़ रहा है अप, मान लीजिए जोड़ दिए, तो अब एक शब्द नया मिला अपमान,
ठीक है, ये अपमान मान लीजिए शब्द मिला, तो सवाल ये पूछ रहा है कि जो किसी शब्द के पहले जुड़ता है, देखिए इसके पहले ये जुड़ा है, तो इस शब्द को हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, क्रिया कहते हैं या धातु कहते हैं, सवाल यही आपसे पूछ रहा है। तो देखिए बहुत ही सरल उत्तर है, जो शब्द पहले जुड़ते हैं या आगे जुड़ते हैं ना, उसको हम उपसर्ग कहते हैं, तो इसमें विकल्प क जो है सही होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब देखिए वो जो इसके पहले हम लोगों ने 13वां प्रश्न देखा, अब उससे जानते हैं क्या पता चल रहा है, उससे पता चल रहा है कि आपको उपसर्ग भी बहुत अच्छे तरीके से और प्रत्यय भी आपको तैयार करना पड़ेगा, अभी प्रत्यय वाला भी सवाल आएगा। फिलहाल अभी हम लोग 14वें को देखते हैं। 14वां प्रश्न है, हरिमुख मनह मयंक पंक्ति में अलंकार है, हरिमुख मनह मयंक पंक्ति में अलंकार है। अब देखिए ये बता रहा है प्रश्न कि आपको अलंकार भी बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना है, क्योंकि विकल्प में अलंकार से भी संबंधित प्रश्न आते हैं। फिलहाल यदि हम इसके उत्तर की बात करें कि हरिमुख मनह मयंक में कौन सा अलंकार है, तो चार विकल्प है, उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा या अनुप्रास। तो देखिए यदि आपने व्याकरण में पढ़ा होगा अलंकार, तो देखिए यहाँ पर ये शब्द आ जाता है, देखिए कौन कौन से शब्द, कुछ शब्द मैं आपको बता रहा हूँ, मानो, मनु, जानो, जनु, जनहु, ज्यों, इस तरह के शब्द जहाँ पर आते हैं वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए कि जो शब्द मैंने अभी आपको बताए हैं, जिस भी कविता की लाइन में यदि ये शब्द आए रहे तो आप जान लीजिए कि वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, तो विकल्प क सही है, इसी को आपको OMR शीट में काला करके भरना पड़ेगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुदर्शन में उपसर्ग है, अब सुदर्शन में कौन सा उपसर्ग है आपको बताना है। चार विकल्प दिए गए हैं, स, सु, सो या सुद, कौन सा उपसर्ग होगा। तो देखिए अभी उपसर्ग पर हम लोगों ने एक सवाल हल किया है कि जो किसी भी शब्द के पहले लगता है, जो किसी भी शब्द के पहले लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो जरा सा आप शब्द देखिए यहाँ पर, तो आपको यहाँ पे जो सु दिख रहा है, सु, यही इसका सही होगा, तो यहाँ पे जो आपका उत्तर होगा वो हो जाएगा सु, सु इसमें उपसर्ग है। ठीक है, और बाकी जो बचा दर्शन, ये प्रत्यय है, पीछे जुड़ा है तो प्रत्यय है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। घबराहट शब्द में प्रत्यय है, यानी अब देखिए प्रत्यय की बात हो रही है, इसका मतलब प्रत्यय भी आपको तैयार करना है। देखिए ये जो प्रश्न मैंने लिए हैं इसके माध्यम से मैं आपको यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से आपको विकल्प वाले प्रश्न तैयार करने हैं। ठीक है, तो अब जब से ये 20 प्रश्न विकल्प वाले आ गए हैं ना, सारी किताब को आप बहुत अच्छे तरीके से आपको तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके उत्तर की बात करें, तो देखिए इसमें जो लास्ट में हट दिख रहा है यही प्रत्यय है, क्योंकि जो प्रत्यय होता है ना वो किसी भी शब्द के पीछे जुड़ता है, बाद में जुड़ता है, यहाँ जुड़ता है। जैसे मान लीजिए कि ये है गाड़ी, थोड़ा थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये है गाड़ी। ठीक है, अब इसके पीछे हमने जोड़ दिया वाला, वाला, तो ये जो वाला हमने जोड़ा ना यही प्रत्यय है, और शब्द हमको क्या मिलेगा, गाड़ी वाला, गाड़ी वाला। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिए कि जब कोई शब्द पीछे जुड़ता है तो जब वो प्रत्यय होता है ना तो उसके पहले जुड़ा हुआ जो शब्द होता है वो उपसर्ग अपने आप हो जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि एक ही शब्द में जब पीछे प्रत्यय होता है तो वहीं पर आगे उसके उपसर्ग होता है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हट जो है ये प्रत्यय है, क्योंकि घबरा के पीछे यही जुड़ा हुआ है, तो विकल्प क इसमें सही है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हंसी हंसी भाजे देख दुलह दिगंबर को पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछाह में। ये कविता की दो पंक्तियां हैं, कविता की दो लाइन है, छंद की दो लाइन है, और कह रहा है, प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जो ऊपर लाइन है इसमें कौन सा रस है, कौन सा रस है उपर्युक्त पंक्ति में, कौन सा रस है। अब इस प्रश्न के माध्यम से मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपके उसमें जितने भी आपके पाठ्यक्रम में रस हैं उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो यदि ये लाइन आप पढ़ेंगे तो रस अपने आप पकड़ में आ जाएगा। देखिए हंसी हंसी,
हंसी हंसी मतलब हंसने की बात हो रही है, तो अपने आप पता चल रहा है कि इसमें हास्य रस है। कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, जहाँ भी हंसने की बात आ जाए पकड़ लीजिए कि यार इसमें तो हंसने की बात है, तो हास्य रस है, तो इसमें हास्य रस है। ठीक है, विकल्प ख आपका सही होगा, यानी आपको रस भी तैयार करना है क्योंकि रस से भी प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला है कमल, राजीव, जलज, ये सब क्या कहलाते हैं? तो बड़ी सीधी सी बात है, राजीव, कमल, जलज, पंकज, तोयज, इंदीवर, ये सारे पर्यायवाची कहलाते हैं, ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं, तो इसमें विकल्प घ सही होगा। तो यहाँ देखिए पर्यायवाची से भी प्रश्न आते हैं। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। दूध दही में समास है, यानी प्रश्न कह रहा है दूध दही में कौन सा समास है? तो इस प्रश्न के माध्यम से मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया है कि आप समास भी अच्छी तरीके से भलीभांति तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। अब देखिए एक सवाल आपके मन में उठता होगा कि ये चीज़ें हमको मिलेंगी कहाँ? तो देखिए आपकी जो पाठ्य पुस्तक हिंदी के है उसमें तो दिया हुआ है, लेकिन बहुत कम दिया हुआ है, मैं देखता हूँ उसमें तो बहुत कम है। इसके लिए आप कोई परीक्षा सीरीज खरीद लीजिए, कोई सी भी खरीद लीजिए, विद्या है, राजीव है, काका है, मास्टरमाइंड है, अवतार है, कोई ये खरीद लीजिए, वहाँ पर ये सारी चीज़ें एक जगह आपको बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएंगी और वहीं से इसको तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए दूध दही में कौन सा समास है देखते हैं। तो देखिए यहाँ इस तरह से यदि कोई शब्द रहे दूध और बीच में देखिए हाइफन का चिन्ह है जिसको आप योजक कह सकते हैं और फिर दही है, तो जहाँ पर इस तरह से रहे देखिए, जहाँ इस तरह से रहे दूध के बाद ऐसे जो चिन्ह है ना, जहाँ पर ये चिन्ह रहे आप समझ जाइए कि वहाँ पे द्वंद्व समास है। ठीक है, आँख मूंद के समझ जाइए कि द्वंद्व समास है, लेकिन कभी कभी ये हाइफन का चिन्ह नहीं भी होता है तब भी आपको पकड़ना होगा। जैसे मान लीजिए मैंने देखा है कि जैसे मान लीजिए ये है भवानी, भवानी शंकर, मान लीजिए ये है एक ही में जुड़ा है, यहाँ बीच में ये चिन्ह नहीं है, हाइफन वाला चिन्ह मान लीजिए कि नहीं है, तो भवानी शंकर में भी आप देख रहे हैं इसका मतलब होगा भवानी और शंकर। ठीक है, तो द्वंद्व समास की पहचान यही होती है कि यहाँ पे और शब्द छिपा होता है। जैसे दूध दही को हम कहेंगे दूध और दही, जब इसका समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा दूध और दही, तो द्वंद्व समास में और शब्द छिपा होता है। ठीक है, तो दूध और दही ये द्वंद्व समास है, तो आपको समास भी भलीभांति तैयार कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, ये आपका 20वां और इस सेट का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है प्रत्येकम का संधि विच्छेद बताइए, प्रत्येकम का संधि विच्छेद है मतलब प्रत्येकम का संधि विच्छेद बताइए, यानी आपको जो संस्कृत व्याकरण है उसको भी तैयार करना है। ठीक है, उसमें से संधि पर आधारित, धातु पर आधारित तमाम प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको संस्कृत का ग्रामर जो है, व्याकरण जो है, बहुत विशेष रूप से तैयार करना है। चलिए इस प्रश्न के यदि उत्तर की बात करें तो जो प्रत्येकम है इसका जो संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा प्रतिधन एकम, तो विकल्प ख इसमें सही है, प्रतिधन एकम। ठीक है, तो इसमें विकल्प ख सही है। तो ये कुछ 20 प्रश्न मैंने आज आपके लिए लाए थे जिसके माध्यम से मैं ये आपको समझाना चाहता था कि यहाँ से आपके बहुविकल्पीय प्रश्न उठाए जा सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बात आपको ज़रूर समझ में आई होगी।